फ्रेंड हमारा होट ऐसा एक चीज है जिसमें थोड़ा बहुत भी कालापन आ जाए तो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। लेकिन फ्रेंड आप होटो का कालापन हटा के गोरा और चमकदार बना सकते अभी पूरा के पूरा घोरवा नुस्खा से। हाँ फ्रेंड मैं आज जो नुस्खा बताने वाला हूँ तो आपका होटो का कालापन हटा के बिल्कुल गोरा एंड चमकदार बना देगा। और एक बात है फ्रेंड, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये जो नुस्खा है लड़की लड़का दोनों यूज कर सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 100% वर्किंग करते। शुरू करने का पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते। तो फ्रेंड ये जो नुस्खा है बनाने के लिए आपको घर का सामान ही लेना, बाहर से कुछ मंगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अक्सर आपका घर में रहे थे जैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट ले रहा हूँ पतंजलि दंतकांति का पेस्ट ले लिया। फिर इधर में खाने का सोडा भी घर पे ही मिल जाते, फिर नमक वगैरह नींबू वगैरह ये भी फ्रेंड घर में ही मिल जाते। तो ये वीडियो पूरा तक देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सिंपली पहले थोड़ा पेस्ट ले लिया, आपका हिसाब से लेना, ज़्यादा नहीं ले लेना। फिर फ्रेंड इसमें नींबू निचोड़ देना और जो खाने का सोडा मिलते फ्रेंड अक्सर घर पे ही मिल जाते, तो हिसाब से लेना, इतना सा खाने से का सोडा ले लेना और इसमें डाल देना। तो पहले से इसका जो इफेक्ट है चालू हो जाएगा। तो अच्छा करके आपको क्या करना है, हिला लेना और पूरा के पूरा मिक्स कर लेना। अच्छा करके मिक्स हो जाना चाहिए तभी जाके लगाना। और एक काम भी कर सकते हैं, ये अगर थोड़ा बहुत मिक्स करके रख सकते थोड़ी देर तक के लिए तो ये अपना आप मिक्स हो जाते। तो फ्रेंड देख सकते मेरा जो नुस्खा है बांध के तैयार हो गया। लेकिन इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे आप ऐसे लेके यूज करोगे तो नहीं होगा, आपको करना क्या पड़ेगा। पहले तो ये जो है मैं अप्लाई करके बताते मेरा हाथ में, मान लीजिए ले लिया, लेने के बाद आपका ये मान लीजिए होट है, होट पूरा जहाँ पे लगाना है सफेद करने का इरादा है पूरा साइड में ऐसा हल्का सा करके लगा के रख देना। तो दो मिनट तक ऐसे लगा के रखना। फिर लगाने का बाद दो मिनट बाद में जैसे दांत ब्रश करते ऐसे ब्रश ले लेना, ऐसे दांत में ब्रश करते ऐसे फ्रेंड अच्छा करके, ज़्यादा घिसना नहीं, थोड़ा आराम से पूरा दांत में जैसे ब्रश करते पूरा होटो का पूरा साइड में ऐसे घिस घिस के ब्रश कर लेना फ्रेंड दो मिनट बाद में। और दो मिनट तक अच्छा करके घिस लेना, घिस घिस के ब्रश कर लेना। उसका बाद फ्रेंड हल्का करके धो लेना। धोने का बाद आपको और एक्सेस लगाना पड़ेगा, वो है फ्रेंड हनी। आप देख सकते मैं इधर में पतंजलि का हनी यूज़ करता हूँ। तो हनी अगर आपको घर पर नहीं है जिसको शायद बोलते तो आप और एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो है नारिकल तेल। ये लगाने का पहले बाद में थोड़ा बहुत इफेक्ट गिरेगा, तो आपको लगाने का बाद में हानि लगाना, अगर हानि नहीं मिले तो फिर नारियल का तेल लगा लेना। तो क्या होगा वो पूरा निकालने के बाद आपको जितना भी डार्क स्पॉट है अंदर से निकालने के बाद पूरा के पूरा सफ़ेद दिखने लग जाएगा। और ये फ्रेंड जो नुस्खा है आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन यूज़ करोगे, पहले दिन से तो आपको पूरा के पूरा इफेक्ट गिरने लग जाएगा और अगर 2 से 3 दिन यूज़ करोगे तो पूरा के पूरा गोरा बन जाएगा, आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे ये कैसे हो गया, इतना इफेक्टिव है फ्रेंड। तो आप खुद ट्राई करके देखना, फिर मेरे को बताना कमेंट्स बॉक्स में आके, कमेंट्स मारना कैसे इफेक्ट हुआ आपके पास भी। तो और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।